शाज़िया आलमी ने केजरीवाल के खिलाफ लड़ने से किया इनकार, ट्वीट करके कहा नई दिल्ली में मैं नहीं लड़ रही चुनाव। दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप की गरमाई राजनीति, केजरीवाल ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय की कंपनी के मीटर में गड़बड़ी का लगाया आरोप, बीजेपी का जवाब आरोप साबित करें वरना मानहानि का करेंगे केस। मोदी सरकार के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की उत्तर प्रदेश के रामपुर अदालत में हुई किरकिरी, 2009 के आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एक साल की सजा सुनाए जाने के फौरन बाद मिली जमानत। दिल्ली से पटना तक चूड़ा दही की राजनीति, पासवान के घर मोदी ने लिया दही चूड़े का लुत्फ, लालू की दावत में नीतीश के ना आने से जनता परिवार में विलय पर सस्पेंस। कांग्रेस ने फिर शुरू की किसान की राजनीति, भट्टा परसौल में पार्टी की महापंचायत, राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग की तैयारी। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन की कोई उम्मीद नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन की पेशकश को पीडीपी ने ठुकराया, कहा अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ जनादेश। मोदी सरकार के स्वच्छता मिशन में संजय जोशी भी शामिल, मोदी विरोधी रहे जोशी ने लखनऊ में लगाई झाड़ू, पीएम का बढ़ चढ़कर किया गुणगान। एचआरडी ने भारतीय भाषाओं पर नीतियां बनाने के लिए 22 सदस्यीय कमेटी बनाई, कमेटी के अध्यक्ष आरएसएस समर्थक कपिल कपूर को बनाया गया। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में टीएमसी और एबीवीपी छात्रों के बीच भिड़ंत, छात्र संघ में नामांकन को लेकर ईंट पत्थर और डंडे चले। सोपोर में आतंकवादियों का एनकाउंटर, एक दहशतगर्द का काम तमाम, दूसरे की तलाश जारी। डीआरडीओ प्रमुख अविनाश चंद्रा की बर्खास्तगी को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ठहराया जायज, नौजवान चेहरे को कमान देने की वकालत, आखिरी फैसला करेंगे मोदी। कोस्ट गार्ड को मजबूती देने की केंद्र सरकार की कोशिश, सोमवार को 4 पनडुब्बी देश को सौंपेंगे मनोहर पर्रिकर। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे का विरोध करके लेफ्ट फ्रंट देशव्यापी प्रदर्शन करने की तैयारी। राज्यों को केंद्र सरकार की मदद का खाका तैयार करने में जुटी मोदी सरकार, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, राधामोहन सिंह ने की राज्यों के नुमाइंदों से चर्चा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त बीएस संपत का कार्यकाल भी खत्म, कल हो जाएंगे रिटायर। डीजल पेट्रोल की कीमत में और गिरावट की उम्मीद, 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता होने की संभावना, कच्चे तेल के दाम घटने से कंपनियां राहत देने को तैयार। विदेशी बैंकों में हिंदुस्तानियों के काले धन का कोई हिसाब नहीं, एक आरटीआई के जवाब में वित्त मंत्रालय ने कबूल किया। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, काले हिरण के शिकार के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट को भेजा। महाराष्ट्र के नासिक में सेना और पुलिस के बीच भिड़ंत, एक जवान की पिटाई को लेकर बढ़ा मामला, झड़प की शिकार हुई एक लेडी इंस्पेक्टर। पेशावर के आर्मी स्कूल में पहुंचे इमरान की जबरदस्त हूटिंग, बच्चों की मौत पर मातम के बीच पूर्व क्रिकेटर के निकाह पर भड़के अभिभावक, इमरान वापस जाओ के लगाए नारे। पेशावर में आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड फजलुल्लाह पर अमेरिका का कसा शिकंजा, ओबामा प्रशासन ने फजलुल्लाह को ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ को क्वेटा की अदालत से करारा झटका, नवाब अकबर बुख्ती की हत्या में दोषी करार। मकर संक्रांति पर अमिताभ बच्चन ने पतंगबाजी का लिया लुत्फ, नई फिल्म अमिताभ प्रमोशन के लिए अहमदाबाद पहुंचे। मनाली में हुई जोरदार बर्फबारी, दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी, पूरे उत्तर भारत में पारा और गिरा।